संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 14 से 21 मार्च तक विशेष ओलंपिक के तत्वाधान में आयोजित हुई दिव्यांगों की अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता में बिलासपुर की दो दिव्यांग खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। उन्हीं के सम्मान के लिए चेतना संस्थान बिलासपुर ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में चेतना संस्था के दिव्यांग पूजा देवी ने पावर लिफ्टिंग में 3 कांस्य पदक जीते, जबकि शुभम कुमार ने साइकिलिंग में स्वर्ण पदक व कांस्य पदक जीता। बिलासपुर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता चेतना संस्था के प्रधान नंद प्रकाश वोरा ने की, जबकि चेतना संस्था की संस्थापिका एवं विशेष ओलंपिक भारत की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उन्होंने विजेता दिव्यांग खिलाड़ियों को हिमाचली टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। सबका मैम का और हमारे सर हैं, उनका भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं। मैडम मल्लिका नड्डा जी का, हाँ मैडम का, मैडम मल्लिका मैम का भी बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं। पधारे हैं और अभी मैं वर्ल्ड समर गेम साइकिलिंग रेस के लिए दुबई में गया था और वहाँ पे जाके बहुत अच्छा महसूस किया और सिर्फ एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ। और सबसे धन्यवाद हमारी रश्मि मैम और अंजी और सब लोगों का और सबसे ज़्यादा मल्लिका मैडम का, क्योंकि जिस टाइम मैं दिल्ली में था वो मैं हमसे मिलने आए थे, उस टाइम उन्होंने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। तो आप मेडल लेके आए हैं, बहुत अच्छा। डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने कहा कि दिव्यांगों में भी काफी खूबियां होती हैं, आवश्यकता है केवल उनके तराशने की। उन्होंने कहा कि विजेता दिव्यांग खिलाड़ियों के अभिभावकों को चाहिए कि इन्हें मिलने वाली राशि का प्रयोग इन बच्चों के उत्थान व रोजगार के लिए करें। इन दिव्यांगों को सरकारी स्तर पर नौकरी इत्यादि का प्रावधान करवाने के लिए प्रयास संस्था के माध्यम से काम किया जाएगा। इस समारोह के दौरान चेतना संस्था घुमारवी व चेतना संस्था बिलासपुर के दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। हमारे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि प्रतिभावान अक्षम खिलाड़ियों के समर ओलंपिक्स गेम्स और विंटर ओलंपिक्स गेम्स में हिमाचल प्रदेश का अच्छा प्रतिनिधित्व रहता है और भारत एक बहुत अच्छे उपलब्धि लेके वापस आता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जहाँ भारत से हमारे 279 खिलाड़ी 289 पार्टिसिपेंट्स गए थे, वो 368 मेडल्स लेके वापस आए हैं और सबसे प्रथम स्थान भारत का पूरे विश्व के मेडल रिकॉर्ड्स में रहा है। ये स्पेशल ओलंपिक्स भारत की एक विशेष उपलब्धि है। मैं बधाई देना चाहती हूँ सारे स्पेशल ओलंपिक्स एथलीट्स को जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की, देश को गौरवान्वित किया। और हमारे प्रदेश से जहाँ 8 खिलाड़ी गए थे उन्होंने लगभग 13 मेडल्स प्राप्त किए और 13 मेडल्स प्राप्त करके हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है।